हेलो दोस्तों सो so अभी तक हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट बहुत ही डिटेल में पढ़ा और वहाँ पे ये भी देखा कि अनबैलेंस सिस्टम की हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं ठीक है अब हम देखते हैं थ्री फेज पावर इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट एंड चूँकि हमें पावर कैलकुलेट करना है सो so पावर के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं फॉर द थ्री फेज सिस्टम द पावर कैन बी गिवेन एज पी प्लस जे क्यू विच विल बी इक्वल टू वी पी ट्रांसपोज आई पी कॉन्जुगेट मतलब क्या है इसका वी आर आई आर कॉन्जुगेट प्लस वी वाई आई वाई कॉन्जुगेट प्लस वी बी आई बी कॉन्जुगेट ठीक है सो so, इस तरीके से हम थ्री फेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स हम इसे क्या लिख सकते हैं वी R वी वाई वी बी आई आर आई वाई आई बी ठीक है कॉन्जुगेट थोड़ा और रीअरेंज करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं वी आर वी वाई वी बी ट्रांसपोज आई आर आई वाई आई बी कॉन्जुगेट ठीक है सो so, ये हमारा पावर को लिखने का तरीका हो गया यहां से हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वी आर वी आर वाई बी ट्रांसफोज इंटू आई आर वाई बी कॉन्जुगेट ठीक है नो एज वी नो एज, वी आर वी वाई वी बी जैसा हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा है क्या होता है वन 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 अल्फा स्क्वायर अल्फा वन अल्फा अल्फा स्क्वायर इंटू वी आर जीरो वी आर वन आर टू ठीक है सिमिलरली वी ऑल्सो नो डेट आई आर आई वाई आई बी इज इक्वल टू वन 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 अल्फा स्क्वायर अल्फा 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 स्क्वायर आई आर जीरो आई आर वन आई आर टू ठीक है सो so, ये रिलेशन हम जानते हैं कि इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे भी सिमेट्रिकल कंपोनेंट के टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है सो so यहाँ पे देखें हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे किस में मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं क्या v r y b इज इक्वल टू ए वी जीरो वन टू कह सकते हैं ये सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं i r y b इज इक्वल टू ए आई जीरो वन टू ठीक है सो so, ये दो रिलेशन यानी हम फेजर क्वांटिटी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट में सो so, यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा हमें एस एस ई विल बी इक्वल टू वी जीरो वन टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का भी क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ठीक है इन टू आई आर वाई बी की जगह लिखें तो क्या मिलेगा ए मैट्रिक्स कॉन्जुगेट आई जीरो वन टू कॉन्जुगेट ठीक है सो so, इस तरीके से हमको क्या मिला एस इजल टू दिस वन ठीक है अब हम क्या देखते हैं ये क्या है हमारे पास दिस वन इज ए ठीक है सो ए एक क्या सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा सेम होगा ठीक है सो वी आल्सो नो डैट एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्लियर ठीक है एंड ए कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट लें ए मैट्रिक्स का तो हमें क्या मिलेगा वन 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 का कॉन्जुगेट क्या होगा वन अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट मैंने ऑपरेटर में पढ़ाया था द फेज ऑपरेटर में क्या होता है अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट अल्फा अल्फा का अल्फा स्क्वायर अल्फा का अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का अल्फा ये आपका क्या मिल गया ए कॉन्जुगेट और मैट्रिक्स ए मिल गई ये ठीक है मीन्स अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें ए ट्रांसफोज इन टू ए कॉन्जुगेट तो हमें क्या मिलेगा इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में हमें क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है एंड मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा थ्री जीरो 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 थ्री जीरो 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 थ्री ठीक है सो so, इस तरीके से ए ट्रांसपोज एंड ए कॉन्जुगेट की वैल्यू मिलेगी ये मीन्स इसे हम लिख सकते हैं थ्री यूनिटी मैट्रिक्स ठीक है यह हमें मिल जाएगा अगर हम फेज ऑपरेटर अल्फा में जो भी हमने अल्फ़ा अल्फा स्क्वायर ये रिलेशन देखे थे और इनके कॉम्बिनेशन देखे थे सो मल्टीप्लाई करके इनके कॉम्बिनेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी जिसे हम कह सकते हैं थ्री इन यूनिट मैट्रिक्स ठीक है सो हम यहाँ से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा एस विल बी इक्वल टू वी जीरो वन टू ट्रांसपोज थ्री इंटू यू आई जीरो वन टू conjugate ठीक है यहाँ से क्या मिलेगा हमें एस इज कल टू थ्री वी जीरो वन टू ट्रांसपोज एंड यहाँ पे क्या मिलेगा आई जीरो वन टू conjugate ठीक है इसे लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ताकि अब हम सिम्प्लीफाई कर सकें तो हमें क्या मिलेगा वी जीरो वी वन वी टू एंड जीरो वन टू लिख रहा हूं इसका मतलब आर फेज वाई फेज या बी फेज किसी का भी रहे सिकमेटिकल कंपोनेंट ठीक है इन टू इसका ट्रांसपोज आई जीरो आई वन आई टू कॉन् ठीक है इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा थ्री एंड ट्रांसपोज अगर रिमूव करें तो हमें क्या मिल जाएगा जीरो वी वन वी टू आई वन i0 i1 एंड i2 टू कॉन्जुगेट ठीक है सो so, इस तरीके से हमें थ्री फेज पावर क्या मिल जाएगा एस थ्री इंटू वी जीरो आई जीरो कॉन्जुगेट प्लस थ्री वी वन आई वन कॉन्जुगेट प्लस थ्री वी टू आई टू कॉन्जुगेट ठीक है मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी कहीं भी क्रॉस अरेंजमेंट नहीं है मीन्स सिंपली जिस भी सीक्वेंस नेटवर्क का वोल्टेज है उसी सीक्वेंस नेटवर्क का करंट है उसका थ्री टाइम्स ठीक है सो so, ये क्या हो गया जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का पावर ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का और ये क्या हो गया नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क का पावर और तीनों को सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा थ्री फेज सिस्टम का थ्री फेज पावर ठीक है मींस सीक्वेंस नेटवर्क आपस में क्या है इनडिपेंडेंट है ठीक है क्योंकि इन तीनों सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बीच में कोई भी म्यूचुअल कपलिंग नहीं है ठीक है सो एस थ्री फेज विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ऑल द थ्री सीक्वेंस नेटवर्क पावर ठीक है